स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका किसान स्कूलों पे एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ से आप जेट, ICER, BHU, PAT, UPCA, TET एवं सीट्स की तैयारी ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जेट, ICER और BHU, नीट, सीट्स, इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का माना जाता है। जेट और ICER में इस टॉपिक में से लगभग 4% कन्फर्मली 4% हर साल पूछे जाते हैं। बायोटेक के फर्स्ट वीडियो में अपने देखा कि किस प्रकार से कोशिका में से DNA को बाहर निकाला जाता है, किस प्रकार से प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के द्वारा उसको काटा जाता है। आज अपन देखते हैं तीसरा चरण, DNA का व्यवस्थीकरण। DNA का व्यवस्थीकरण, जब किसी DNA को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काट दिया जाता है तो उसके कई सेगमेंट्स बन जाते हैं। उन कटे हुए सेगमेंट्स को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए एक तकनीकी काम मिली जाती है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, जेल विद्युत संचलन। इस तकनीकी में क्या किया जाता है, सर्वप्रथम एक प्लेट लेकर उसमें समुद्र से प्राप्त एक शैवाल जिसका नाम है एगारेज, इस शैवाल का जेल माध्यम बनाकर इस प्लेट में व्यवस्थित कर दिया जाता है। प्लेट के दोनों सिरों पर आवेश रखा जाता है, एक तरफ कैथोड और दूसरी तरफ एनोड आवेश स्थापित किया जाता है। DNA की प्रकृति की बात करें बच्चों, तो DNA की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, और आवेश जब दिया जाता है DNA को तो आवेश देने पर वह एनोड की ओर गति करता है। तो इस एगारेज प्लेट में कटे हुए DNA सेगमेंट्स को रख दिया जाता है। ये कटे हुए DNA सेगमेंट्स एगारेज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे DNA के जो छोटे सेगमेंट होंगे आवेश की उपस्थिति में वो सबसे आगे की ओर व्यवस्थित हो जाएंगे, उससे बड़े सेगमेंट उसके पीछे व्यवस्थित हो जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब आवेश दिया जाता है तो ये DNA के जो सेगमेंट्स से खंड हैं ये एगारेज प्लेट पर दिखना बंद हो जाते हैं, अतः उनको देखने के लिए पराबैंगनी प्रकाश यानी कि UV लाइट प्लस इथिडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में जब इसको देखा जाता है तो ये जो DNA सेगमेंट्स हैं ये इस एगारेज प्लेट पर चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। अब अपन को जो वांछित DNA सेगमेंट चाहिए उसको अपन यहाँ से काट कर, माना कि जैसे अपन को ये सेगमेंट चाहिए तो इसको एगारे जेल में इथिडियम ब्रोमाइड और प्राबैंगनी प्रकाश देने के बाद जब ये चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देंगे तब इसको यहाँ से काट कर और बाहर निकाल लिया जाता है। इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं अपन इल्यूशन या क्षालन। तो इस प्रकार से जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस विधि में कटे हुए DNA खंडों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारेज नामक समुद्री जेल को रखा जाता है। यह जेल अपने छलनी प्रभाव के द्वारा DNA खंडों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित कर देती है। जो सबसे छोटे सेगमेंट होते हैं वो एनोड की ओर, उससे बड़े जो खंड होते हैं वो क्रमशः कैथोड की ओर व्यवस्थित रहते हैं। पर प्रकाश की उपस्थिति में जब ये दिखना बंद हो जाते हैं तब UV प्रकाश यानी UV लाइट और इथिडियम ब्रोमाइड अभिरंजक की उपस्थिति में इनको देखने पर ये चमकीली नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं, और इनको इस एगारेज प्लेट से काट कर बाहर निकालने की प्रक्रिया इल्यूशन या क्षालन कहलाती है। अब इनको जो अपन को वांछित DNA खंड है उसको अपन ने काट के बाहर निकाल लिया। अब इस कटे हुए DNA सेगमेंट को अपन को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना है। तो परपोषी कोशिका में जो है अपन सीधे ही इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को चलना पड़ेगा चौथे पॉइंट पर, और उसका है संवाहक में प्रवेश। संवाहक में प्रवेश किसका, DNA सेगमेंट का। जो DNA खंड अपन को चाहिए या जो जीन सेगमेंट अपन ने लिया है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा
उसको किसी संवाहक में प्रवेश करवाया जाएगा। यदि बिना किसी संवाहक के ही अपन सीधे ही इसको परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं तो डीएनए के डीनेचर या विकृत होने का खतरा रहता है। अतः डीएनए को डीनेचुरेशन से बचाने के लिए संवाहकों का प्रयोग किया जाता है। अब संवाहक क्या है, तो किसी भी जीवाणु या प्रोकैरियोटिक सेल में मुख्य डीएनए के अलावा, माना कि जैसे ये मुख्य डीएनए है किसी भी जीवाणु सेल का, उस डीएनए के अलावा एक अन्य वर्तुल डीएनए पाया जाता है जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मिड या संवाहक। तो संवाहक की परिभाषा क्या हो गई कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि किसी भी जीवाणु कोशिका का गुणसूत्र रहित वर्तुल भाग संवाहक कहलाता है। एक संवाहक में किसी भी डीएनए या जीन खंड की क्लोनिंग करने की क्षमता पाई जाती है। अपन को कौन सा संवाहक लेना चाहिए, तो संवाहक जो है उसके कुछ गुण होते हैं। गुणों की बात करें संवाहकों की, तो पहला गुण होता है कि संवाहक जो है वो आकार में छोटा होना चाहिए। आकार में छोटा होना चाहिए। आकार में छोटा क्यों होना चाहिए, क्योंकि जितना छोटा होगा संवाहक उतना ही परपोषी कोशिका में आसानी से प्रविष्ट होगा। दूसरा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। संवाहक ऐसा लेना चाहिए जो अपन को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तीसरा, उसकी उसमें जो है मार्कर जीने, रिपोर्टर जीने, स्वयं की ओराई आदि भी उपस्थित होने चाहिए। ओराई की बात करें तो ओराई का अर्थ होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति का उद्भव स्थल। यानी कि किसी प्लाज्मिड का वह भाग जहां से कोई डीएनए सेगमेंट जुड़ता है तो उसकी कॉपियां बनना आरंभ हो जाती है, वह भाग कहलाता है ओराई। मार्कर जीनों की बात करें तो मार्कर जीने जैसे कि एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, इस प्रकार की जीने जो किसी भी प्रतिरोधी जीने होती हैं, ये जो रूपांतरजों की पहचान करती हैं और अरूपांतरजों को हटाती हैं। रिपोर्टर जीने ये संकेत देती हैं कि अपन जो क्लोनिंग करना चाह रहे हैं वो सही रूप से हो पा रही है या नहीं। बाजार में जो है विभिन्न प्रकार के संवाहक या वेक्टर उपलब्ध हैं, जिनमें से मुख्य संवाहक अपन यहाँ देखते हैं। इसमें पहला है PBR-322। PBR-322 जो है इसकी खोज की थी बोलीवर एवं रोड्रिग्स ने। इसीलिए इसका नाम PBR है। पी का अर्थ हो गया प्लाज्मिड, बी का अर्थ हो गया बोलीवर, आर का अर्थ हो गया रोड्रिग्स और 322 इसको जो है इकोलाई जीवाणु से प्राप्त किया गया है। इस प्लाज्मिड की विशेषता यह है कि ये लगभग 5 से लेकर 10 KB तक के डीएनए या जीन सेगमेंट की क्लोनिंग आसानी से कर सकता है। साथ ही जो है इसमें स्वयं की मार्कर जीनों की बात करें या प्रतिरोधी जीनों की बात करें तो इसमें एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, केनामाइसिन, इस प्रकार की मार्कर जीनें पाई जाती है। ये जीनें क्या करती हैं कि जो पार्ट अपन या जो डीएनए सेगमेंट इसमें जोड़ा है उस डीएनए सेगमेंट का सही रूपांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा इसकी पहचान करेंगी। अगर नहीं हो पा रहा है और अरूपांतरण जो अपन को नहीं चाहिए वैसा कोई सेगमेंट बन गया तो उसको हटा देती हैं। रिपोर्टर जीनों की बात करें तो रिपोर्टर जीनों में जैसे कि LUC यानी कि ल्यूसीफ्रेज, ये जुगनू में जैव संदीप्ति का प्रतीक है, तो इस प्रकार की जीने भी इसमें जैसे कि SLL, BMA 2nd, PST 1st, PVU 2nd, इस प्रकार की भी पाई जाती हैं जो क्या करती हैं कि क्लोनिंग प्रक्रिया को सुगम बनाती हैं। उसके पश्चात बात करें कि एपिसोम क्या होता है, तो अगर डीएनए सेगमेंट, कोई भी डीएनए सेगमेंट अपन ने लिया और वो प्लाज्मिड के साथ कॉपी कर रहा है तो उसे कहेंगे अपन प्लाज्मिड, और बिना प्लाज्मिड के किसी जीवाणु की मुख्य गुणसूत्र संरचना के साथ जुड़कर क्लोनिंग कर रहा है तो वे उस संरचना को कहेंगे एपिसोम, यानी जीवाणुओं में पाई जाने वाली वह संरचना जो किसी अन्य डीएनए सेगमेंट को अपने मुख्य डीएनए के साथ जोड़कर उसकी क्लोनिंग करती है, एपिसोम कहलाते हैं। अगर पीबीआर 322 काम में नहीं लिया जाता है तो वर्तमान में अन्य कई संवाहक भी बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो जीवाणु का भक्षण करते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। वर्तमान में जो है लेबडा और M30 जीवाणुभोजियों का उपयोग संवाहकों के रूप में किया जाता है। इनकी क्या विशेषता होती है, तो ये लगभग 24 KB तक यानी कि संवाहकों से थोड़ी ज़्यादा लंबे डीएनए सेगमेंट की क्लोनिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर इन फिर यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लेबडा और M30 में से किसको ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो लेबडा जीवाणुभोजी का उपयोग जो है जैव प्रौद्योगिकी में संवाहक के तौर पर M30 से ज़्यादा लिया जाता है। फिर बात करें जीवाणुभोजी के अलावा तो कोसमिड, कोसमिड जो है वो संवाहक यानी प्लाज्मिड
और बैक्टीरियोफेज दोनों का सम्मिलित रूप है। इसकी खोज जो है बारबारा होन और जॉन कॉलिंस ने 1978 में की। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें लेबडा जीवाणु भोजियों के क्रॉस स्थलों वाले डीएनए अनुक्रमों का निवेशन किया जा सके, यानी कि जिसमें संवाहक के साथ साथ जीवाणु भोजी वाले यानी कि इतने लंबी डीएनए सेगमेंट की भी क्लोनिंग आसानी से की जा सके। यानी छोटी क्लोनिंग करनी है तो भी आसानी से हो सकती है और बड़ी क्लोनिंग हो तो भी आसानी से हो सकती है, उन्हें कहेंगे अपन कोसमिड। इसके अलावा कोसमिड ट्रांसपोजोन इस प्रकार के कई संवाहक भी वर्तमान में काम में लिए जाते हैं। अब जब संवाहक के साथ किसी डीएनए सेगमेंट को जोड़ दिया गया उसके पश्चात जो है इसे परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराना पड़ता है। परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराने के लिए वापस आप पुनः इस चरण को समझिए कि माना कि ये अपना डीएनए सेगमेंट था, ये अपने पास संवाहक है, यहाँ पर नाइट्रोजनी बेस पेयर हैं क्योंकि कोडिंग होती है इन्हीं में, जेनेटिक जितने भी सूचनाएं हैं वो बेस पेयर्स में पाई जाती हैं। यहाँ पर अपन ने कोई एंजाइम लिया जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर वन, तो एक नियम है कि अगर किसी विजातीय डीएनए को जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है प्लाज्मिड को भी उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाना चाहिए, तो इसको भी अपन ने काटा किससे, इको आर वन से ही, क्योंकि इससे क्या होगा कि पैलिंड्रोमिक क्रम प्राप्त होंगे और जुड़ने में आसानी होगी। जब इनसे काटा तो माना कि यहाँ पर अपन को ये डीएनए सेगमेंट प्राप्त हो गया, यहाँ पर इको आर वन से काटा तो यहाँ पर जो है ये कटा हुआ भाग प्राप्त हो गया। अब जो है यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से इनको जोड़ दिया जाएगा, इस क्रिया को कहेंगे लाइगेशन। पूछ लिया जाए कि लाइगेशन किसे कहते हैं, तो किसी भी विजातीय डीएनए खंड को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटने के पश्चात संवाहक में जोड़ने की प्रक्रिया लाइगेशन कहलाती है। तो यहाँ पर ये अपना डीएनए सेगमेंट जो है वो जुड़ गया संवाहक के साथ। अब इसे परपोषी कोशिका जैसे कि जीवाणु कोशिका ये इस प्रकार की कोशिकाएं हैं उनमें इनका क्या करा दिया गया, स्थानांतरण। तो ये इनमें स्थानांतरण हो गए, यहाँ पर इनकी मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी यानी गुणन हो जाएगा। गुणन के पश्चात इनको जो है अपन जब आवश्यकता होगी तब वांछित जीन को आइसोलेट कर सकते हैं बाहर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन पीसीआर पॉलीमर चैन रिएक्शन। पीसीआर जो है वो बायोटेक में जीन गुणन की एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। इस तकनीकी की खोज केरी मुलिस ने 1983 में की। इस तकनीकी में क्या किया जाता है कि अपने पास जो मैन डीएनए है उस मैन डीएनए में पाए जाने वाले छोटे छोटे प्राइमर्स का उपयोग कर वांछित डीएनए सेगमेंट की कई कॉपियां बनाई जाती हैं। प्रोसेस कैसे काम हो करेगी, तो ये तीन चरणों में पूर्ण होती है, पहला विकृतीकरण, दूसरा एनीलिंग और तीसरा प्रसार। सर्वप्रथम डीएनए में से वांछित प्राइमर्स को प्राप्त करने हेतु डीएनए को 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है। यहाँ पर जो है रेशियो चेंज भी हो सकता है कि जैसे 94, 96, 95 इस प्रकार से। जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया कि डीएनए के विकृतीकरण हेतु पीसीआर में कितना टेम्परेचर होना चाहिए, तो जैसे ऑप्शन आ जाएं कि 40, 60, 70 और आ जाए जैसे कि 95, तो 95 ठीक रहेगा। यानी अप्रोक्सीमेटली जो है अगर अपन देखें तो 94, 95, 96 या 98 तक जो है टेम्परेचर जब दिया जाएगा तो डीएनए जो है छोटे छोटे सेगमेंट्स में टूट जाएगा। इन सेगमेंट्स को अपन कहेंगे प्राइमर्स। अब जैसे कि अपने पास एक तो ये प्राइमर हो गया और एक ये प्राइमर हो गया। अब दूसरी प्रोसेस जो होगी वो होगी एनीलिंग। इन प्राइमर्स को क्या किया जाएगा कि 40 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाएगा। गर्म करने पर क्या होंगे कि ये अपने आकार के अनुसार कि सेगमेंट कोई बड़ा है कोई छोटा है उस आकार से क्या हो जाएंगे, ये अरेंज्ड हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। उसके पश्चात जो है इसकी कॉपियां बनाने के लिए मुख्य तौर पर जो एंजाइम काम में लिया जाता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। अब कई बार प्रश्न आ जाता है कि सर डीएनए पॉलीमरेज का जो नेचर है वो इतना टेम्परेचर नहीं सहन कर पाता, तो अगर ऐसा है तो इसके स्थान पर जो है अपन टैग पॉलीमरेज
टैग पॉलीमरेज एंजाइम काम में ले सकते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो प्राप्त किया जाता है थर्मस एक्विटिकस जीवाणु से। थर्मस का अर्थ हो गया हॉट, एक्विटिकस जल में, तो गर्म जल के झरनों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, उससे ये प्राप्त कर लेते हैं। इसमें भी पॉलीमराइजेशन का गुण पाया जाता है, तो ये आसानी से जो है इसका गुणन कर देगा। टैग पॉलीमरेज लेने के पश्चात जब इसको अपन डीएनए प्राइमर्स के साथ लेते हैं, टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज को, तो उसको डीएनए के साथ जब लिया जाता है और इसको घूर्णित या चक्रित करवाया जाता है, तो वांछित डीएनए सेगमेंट्स की अपन को कई कॉपियां प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें प्रसार या घूर्णन के दौरान, तो यहाँ पर टेम्परेचर रखा जाएगा 74 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करें कि कितनी कॉपियाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो लगभग अगर अपन 20 बार चक्रण करवाएं, 20 से 30 बार अगर इसका चक्रण करवाएं, तो लगभग अपन को 1 बिलियन कॉपीज प्राप्त हो जाती हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह भी बन जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज के अलावा यहाँ पर कोई और कोई मेटल या कोई चीज़ है जो यहाँ पर काम में आती होगी, तो Mg+2 आयन ये जो है काम में लिया जा सकता है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज या टैग पॉलीमरेज के साथ में। फिर बात करें कि सर डीएनए पॉलीमरेज तो रेप्लिकेशन में भी काम आता है, ठीक है, तो रेप्लिकेशन के द्वारा ही अपन कॉपियाँ बना सकते हैं, अपन को पीसीआर की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो जब अपन को बहुत लिमिटेड कॉपी चाहिए, कि जैसे कि अपन को 5, 2, 7 यानी कि बहुत कम संख्या में अपन को किसी वांछित डीएनए के कॉपी चाहिए, तो अपन जो है रेप्लिकेशन या प्रतिकृति प्रक्रिया काम में लेते हैं। लेकिन जब अपन को वांछित कॉपीज मिलियंस में चाहिए, लाखों करोड़ों अरबों में चाहिए, उस दौरान जो है अपन पीसीआर काम में लेते हैं। तो पुनः देखें पीसीआर की खोज कैरी मुलिस ने की। 3 चरणों में प्रोसेस पूर्ण होती है। पहला विकर्तीकरण, इसमें जो मूल डीएनए है उसको 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे कि ये छोटे छोटे खंडों में अपघटित हो जाता है। इन छोटे छोटे सेगमेंट्स को कहते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स का अर्थ हो गया कि ये न्यूक्लियोटाइड्स ही एक प्रकार के डीएनए सेगमेंट्स ही होते हैं। ये इन डीएनए सेगमेंट्स को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए एनीलिंग प्रोसेस काम में ली जाती है, जिसमें टेम्परेचर रखा जाता है 40 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके पश्चात जो है इन डीएनए प्राइमर्स को, जो वांछित डीएनए प्राइमर है उसकी कोई कॉपियां बनाने के लिए टैग पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज, साथ में मैग्नीशियम आयन लिया जा सकता है, उसकी सहायता से जो विलोड़ित या करवाया जाता है 74 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसका प्रसार हो जाता है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि इसको 20 या 30 बार घूर्णित करवाया जाए, तो अपन को एक प्राइमर या एक वांछित डीएनए सेगमेंट से लगभग 1 बिलियन कॉपीज प्राप्त हो सकती हैं। अब बात करें अपन कि पीसीआर के उपयोग क्या है, तो रोग कारकों की पहचान में, जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों अपन पिछले दिनों देखा, ये वर्तमान में भी देख रहे हैं कि जैसे कोरोना है या अन्य कोई माइक्रोपैथोजेंस हैं जो किसी के शरीर में प्रविष्ट हो चुके, तो उन सूक्ष्म जीवों को शरीर में उनकी उपस्थिति है या नहीं है, उसको देखने के लिए जो है या तो उनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा या उनके आकार को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसके लिए पीसीआर जो है मुख्यतः काम में ली जा सकती है। किसी जीन ने या किसी अन्य किसी केमिकल, फिजिकल या बायोटिक कोई म्यूटेशन है तो उसकी पहचान करनी हो, तो यानी कि विशेष उत्परिवर्तनों की पहचान में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या अंगुली छापन विधि में भी इसका उपयोग किया जाता है, और जीन सुधार में भी जो है पीसीआर का उपयोग किया जाता है।